हेलो फ्रेंड्स, हीट चैप्टर पे हमने अभी तक काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। इसके पहले मैंने कंसेप्ट एक करके क्लियर किया था, ठीक है, एक एक सेक्शन को। और ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला कौन से कंसेप्ट से आएगा। दो ही फॉर्मूला, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और मैंने दो न्यूमेरिकल जो लेंथी टाइप है वो अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो, मतलब ये वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा, थोड़े लेंदी थे, इसके लिए मैंने बोला था कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तब तक हमने ये देखा था ट्रिक्स टू रिमेंबर में, फिर मैंने एक सॉल्व एग्जांपल और दो अनसॉल्व एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। और अभी हम देखेंगे जो सी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रीड द क्वेश्चन। A thermally insulated pot. A thermally insulated pot has 150 gram of ice at temperature 0 degree Celsius. ठीक है, 150 gram of ice. So ice का मास दिया है, कितना है? 150 gram. ठीक है, ice इसका मास दिया है 150 ग्राम, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री। ओके, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ टू बी मिक्स टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन ऐसे समझ लो, एक थर्मल इंसुलेटेड पॉट है, उसके अंदर एक आइस है, ठीक है, जिसका मास है 150 और उसका टेम्परेचर है, आइस तो होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप दूसरे बर्तन से स्टीम लेके आ रहे हो, मतलब गैस जो बॉइल्ड वाटर है स्टीम के फॉर्म में, जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसे आप इस थर्मली इंसुलेटेड पॉट में कितना मिक्स करोगे ताकि जो ये गैस है स्टीम है और जो आइस है ये दोनों मिक्स होकर एक नया वाटर बनेगा, तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसमें कितना स्टीम मिक्स करोगे, ठीक है, मतलब कितने मास का स्टीम मिक्स करोगे, समझ में आ रहा है। आइस है 150 ग्राम का, जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये थर्मल इंसुलेटेड पॉट में आइस है और इसमें आपको स्टीम मिक्स करना है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप कितना स्टीम मिक्स करते जाओगे ताकि जो वाटर है स्टीम और आइस मिक्स हो जाएंगे, पिघल के क्या बन जाएंगे वाटर, और उसका टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू दे चुका है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर है 540, एंड स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टीम है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस इसमें हम डालेंगे तो पहले ये वाटर बनेगा, ठीक है, 100 डिग्री का जो स्टीम है वो 100 डिग्री का वाटर बनेगा, फिर इसे हमें वाटर को जो बनाएंगे अगला टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50, समझ में आया, 50 डिग्री होना चाहिए, गेटिंग। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है फर्स्ट केस में, यहाँ पे, सो यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आ गया तो फॉर्मूला हो जाएगा एम सी इंटू डेल्टा टी, नो चेंज इन टेम्परेचर तो एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों सब साथ में हो रहे हैं तो यहाँ पे इसको प्लस कर दो तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, Q1। अब मुझे बताओ हीट गेन की है हीट लॉस, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये हो जाएगा लॉस, सो हीट लॉस, हीट लॉस मतलब 100 डिग्री का कितने में हो रहा है, 50 डिग्री, समझ में आया, 50 कैसे हुआ, स्टीम है 100 डिग्री का तो ये पहले वाटर बनेगा 100 डिग्री का, फिर धीरे धीरे जो आइस के साथ मिक्स होगा तो एक नया मिक्सचर बनेगा वाटर का और उसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री, तो हमें ये बनाना है। तो ये केस लिया मैंने, हीट लॉस आया Q1 is equals to m into l plus m into c into delta t, ठीक है, इसको हम ले लेते इक्वेशन 1।
ठीक है, हम देखते हैं जो आइस था 0 डिग्री का, ये भी तो वाटर में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है, ये आइस जो है 0 डिग्री का बनेगा वाटर, और फिर ये वाटर को कितना बनाना है 50 डिग्री, समझ में, जो स्टीम था उसको भी कितने डिग्री का बनना है 50 डिग्री का, और जो आइस है उसको भी कितना बनना है 50 डिग्री का, समझ में आ रहा है। ओके तो मुझे बताओ 0 डिग्री का जो है ये, जैसे 100 डिग्री का स्टीम था 100 डिग्री का वाटर बना, तो वैसे आइस 0 डिग्री का था वाटर 0 डिग्री, फिर एक टाइम ऐसा आया जब 50 डिग्री हुआ, तो क्या यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है? नो, सो नो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का फॉर्मूला लगेगा एम इन टू एल, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज, यस 0 से 50 डिग्री, तो फॉर्मूला हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, ठीक है, एम सी इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है कि हीट गेन? हीट गेन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से टेम्परेचर देखो ना 0 डिग्री का कितने में हो रहा है 50 डिग्री, तो जैसे जैसे नीचे हीट देंगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे हीट निकाल रहे थे तभी तो टेम्परेचर कम हो रहा था, तो ये गेन आया, हीट गेन इज इक्वल्स टू क्यू टू इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉलोअप कर लेता हूँ। सो क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू टू, मतलब हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, कौन से प्रिंसिपल से है ये? बाय बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, ठीक है। सो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, एक बार देख लो फॉर्मूला क्या था, क्यू वन की जगह पे आएगा एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी, और क्यू टू की जगह पे, ठीक है, सेम है बट वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू वन सॉरी क्यू वन एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम इंटू एल प्लस एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना था, मास कुछ याद आ रहा है? ये जो Q1 है ये स्टीम का है, ठीक है, ये स्टीम का है, और Q2 जो है वो आइस का है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये जो Q2 है ये किसका है? आइस, और Q1 किसका है? स्टीम का। सो ये फॉर्मूला बना इक्वेशन से, मास स्टीम का मास दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो मास ऑफ स्टीम, हाउ मच स्टीम, तो मास पूछा है, तो इसका स्टीम का नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आइस का पता है 150 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो मास कितना है नहीं पता है, लेटेंट हीट पता है क्वेश्चन में दिया है 540, मास नहीं पता, स्पेसिफिक हीट 1 होता है वाटर का, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा था, चेंज इन टेम्परेचर स्टीम 100 से 50 ना, 100 से 50 तो माइनस कर लो बड़ा वैल्यू टू छोटा वैल्यू, 100 से 50 इज इक्वल्स टू मास ऑफ आइस कितना है 150 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितना है 80, मास 150, सी कितना होता है वाटर का 1, चेंज इन टेम्परेचर
कितना है चेंज इन टेम्परेचर? 0 से 0 डिग्री से 50 डिग्री, तो 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 540 एम इंटू 100 में से 50, तो ये 50 एम, ये प्लस है ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू, ये बताओ, प्लस 50 है ये, सो 50 इंटू 150, इससे माइनस होगा तो 50 रहेगा ना, 50 इंटू 150 हो जाएगा इतना ठीक है, इसको प्लस कर लो तो हो जाएगा 540 प्लस 50 590 एम, इसको प्लस कर लो तो हो जाएगा 19500, ओके इसे डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, सो एम इज इक्वल्स टू 19500, डिवाइड कर लो 590 से ठीक है, डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है, सो इसको कंप्लीट 33 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है। तो स्टीम का मास है, मास ऑफ स्टीम इज 33 ग्राम ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल ही है। आंसर देखो, कंसेप्ट क्लियर है तो फटाक से आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो ईजिली, कहीं कुछ अटकने की ज़रूरत नहीं है। ये केस जैसे आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है। नाउ विल मूव टू आर लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कहाँ गया इधर है, क्या हो गया इसको, चलो कोई नहीं, मैं एक नया क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट बुक से। ये रहा क्वेश्चन ठीक है, चलो रीड करो इसे। A calorimeter has 100 gram of, a calorimeter has mass, ठीक है, तो ये calorimeter है, this is calorimeter, चलो कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट, ओके तो ये क्या है, कैलोरीमीटर ठीक है, इसका मास दिया है कितना 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 0.01 किलो कैलोरी, इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, तो इसके अंदर लिक्विड है ठीक है, तो लिक्विड का मास दिया है 250 ग्राम ठीक है,
लिक्विड का मास है 250 ग्राम एट टेम्परेचर, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्टी डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट 0.4, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दिया है कितना 0.4। इफ़ यू ड्रॉप आइस, पीस ऑफ आइस ऑफ मास, तो इसके अंदर हमें आइस डालने वाले हैं, ठीक है, इस कैलोरी मीटर के अंदर, जिसका मास दिया है कितना 10 ग्राम और टेम्परेचर दिया है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोल रहे हैं देखो एक बार वापस समझाता हूँ। ये कैलोरी मीटर है, उस कैलोरी मीटर का वेट था 100 ग्राम और उसमें उसका स्पेसिफिक हीट है 0.1। उसके अंदर एक लिक्विड भी है जिसका मास है 250 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और उसका स्पेसिफिक हीट है 0.4। क्या बोला है कि उसमें अगर हम मास डाल आइस डालते हैं, ठीक है, एक पीस ऑफ आइस जिसका मास है 10 ग्राम और टेम्परेचर है 0 डिग्री, तो वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो ये कैलोरी मीटर है, इसके अंदर वाटर है, कुछ टाइम पे हम आइस में डालेंगे तो ये आइस और वाटर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है और इसका कैलोरी मीटर का कितना टेम्परेचर था, ठीक है, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर सपोज नहीं दिया है, टेम्परेचर यही होता है जो लिक्विड का होता है वही कैलोरी मीटर का होता है, अगर आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। तो कैलोरी मीटर का लिक्विड जितना था टेम्परेचर 30, तो इसका भी उतना ही रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी क्या है, आइस जब इसके अंदर गया नहीं तब था 0 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड और कैलोरी मीटर का कितना था टेम्परेचर, सेम था 30 डिग्री। तो जब आइस इसके अंदर चला जाएगा तो एक नया टेम्परेचर बनेगा, ठीक है। तो वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो जो ये मिक्सचर है कैलोरी मीटर लिक्विड और आइस इसमें आ रहा है, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया कंसेप्ट, तो अब आसानी से समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आइस है, आइस क्यूब जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री, ये क्या है, दिस इज कैलोरी मीटर। ये कॉपर वेसल्स का मोस्टली होता है, ये इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कितना है, लिक्विड उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर देखो, फिर क्या बोला है कि जो एक टेम्परेचर बनेगा तीनों को मिक्सचर करने के बाद, तो एक कुछ नया टेम्परेचर बनेगा जैसे 0 है 30 है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, तो नया टेम्परेचर कितना बनेगा मिक्सचर का वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आइस, इसको हम डाल रहे किसके अंदर, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, लिक्विड, दूसरा ऑब्जेक्ट है कैलोरी मीटर, ठीक है। सो इसका हीट इज इक्वल्स टू जो इसका हीट है लिक्विड का प्लस कैलोरी मीटर का, ठीक है। सो टेल मी, ये हीट लॉस करेगा कि गेन करेगा, इसमें से गेन कौन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जा रहा है, हीट जा रहा है, ठीक है। या फिर ये देखो, नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ मैं, ये इक्वेशन समझ आया, ये आइस है इसको हम इन दोनों के मिक्सचर में डाल रहे हैं, तो एक नया थर्ड मिक्सचर बनेगा। तो एक एक करके देखते हैं, फॉर आइस के लिए जो आइस है मोस्टली 0 डिग्री का है, ये पहले वाटर बनेगा, है ना, ऐसे अब तक हमने वीडियो में देखता है, तो आइस जो है वाटर बनेगा कितने का, पहले 0 डिग्री का, ठीक है। फिर से ये एक वाटर बनेगा क्योंकि अंदर भी एक वाटर, स्टीम तो बनेगा नहीं क्योंकि नीचे हम हीट थोड़ी दे रहे हैं, फिर से ये वाटर बनेगा जिसका टेम्परेचर हमें भी नहीं पता है, हमें पता लगाना है, ठीक है। सो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, ये सिर्फ आइस के लिए, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सॉरी ये मैंने इसलिए लिखा था कि इसका वैल्यू हमें पता लगे, ठीक है।
तो ये केस है, एक सेकेंड केस है, तो यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है. सो नो चेंज इन टेम्परेचर के लिए एम इन टू एल, चेंज इन टेम्परेचर के लिए एम सी डेल्टा टी, ठीक है. और एक इसके लिए था आइस के लिए. ओके, ऐसे ही लिक्विड के लिए हो जाएगा. क्यू लिक्विड के लिए, जो लिक्विड है अभी 30 डिग्री का है, ठीक है, फिर ये अनदर लिक्विड बनेगा नए टेम्परेचर का ना, ठीक है. इतना ही चेंजेस होगा, थर्ड चेंजेस थोड़ी आएगा इसमें. और फिर जो कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर, इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, ये भी एक नया टेम्परेचर का कैलोरी मीटर होगा, वही कैलोरी मीटर का, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, तो भी मुझे नहीं पता है, ठीक है. समझ में आया? देखो तो इसके इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ. इन दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू एल, सॉरी एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर, तो एम सी डेल्टा टी. एम इंटू एल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए वो फॉर्मूला नहीं लगा. जैसे यहाँ पे देखो आइस है वाटर बना सेम टेम्परेचर का, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके लिए ये फॉर्मूला है. तो ये अभी देखो हमने ऐसा लिखा था यहाँ पे, ये क्यू आइस इज इक्वल्स टू क्यू लिक्विड प्लस क्यू कैलोरी, तो ये जो मुझे मिला एम सी डेल्टा टी, फिर आएगा प्लस में ये, और ये एक सेपरेट इधर आएगा, ठीक है. देखो लिखते हैं कैसे लिखा था मैंने, क्यू आइस इज इक्वल्स टू क्यू लिक्विड प्लस क्यू वॉट कैलोरी मीटर, ठीक है. क्यू आइस कितना आया टेल मी, एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू लिक्विड कितना है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, प्लस प्लस कैलोरी मीटर कितना है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. इतना समझना है बस, अभी हमें वैल्यूज पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है. ओके, मास बताओ, मास ऑफ आइस 10 ग्राम ऑफ आइस ना, 10, लेटेंट हीट कितना दिया क्वेश्चन में दिया है, 80 प्लस सॉरी मास तो 10 रहेगा, वाटर का सी कितना होता है 1, चेंज इन टेम्परेचर बताओ, चेंज इन टेम्परेचर देखो यहाँ से, चेंज इन टेम्परेचर कुछ है टी है और 0, तो टी माइनस 0 मतलब क्या टी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टी, ठीक है, इसी विच इज इक्वल्स टू एम, मास ऑफ कैलोरी मीटर वगैरह कितना है, सॉरी ओके, मास ऑफ कितना है 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था देखा लिक्विड का 250 और कैलोरी मीटर का है 100, ठीक है, ये ध्यान में रखना. लिक्विड का कितना है 250, सी कितना है 0.4, क्वेश्चन में दिया है, चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी, ठीक है, यहाँ पे देखो टी माइनस 0 है ये, क्योंकि टी बड़ा वैल्यू होने वाला है, जी छोटा है, यहाँ पे 30 से ही टेम्परेचर कम होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम हीट नहीं दे रहे, ठीक है, हीट लॉस हो रहा है. प्लस मास कितना है कैलोरी मीटर का 100, स्पेसिफिक हीट कितना है कैलोरी मीटर का 0.1, चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी, अभी 0.01 0.04 80 कहाँ से, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार आपको ऊपर लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ. ये देखो दिया है स्पेसिफिक हीट है 0.4, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट 0.1, ठीक है, और वाटर का 80 होता है,
ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है। चलो करो इसको फटाफट, निकालो आंसर भी मिल जाएगा। टी का वैल्यू हमें निकालना है ना, नया टेम्परेचर मिक्सचर का। सो ये हो जाएगा 800 प्लस 10T इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। अरे 30 माइनस टी प्लस 100 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा 10। और ये है 30 माइनस टी जी, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो। देखो ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 110, प्लस कर लो इसको तो 30 माइनस टी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 10T सेम। सो इसको ब्रैकेट ओपन करो, सो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3300, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110T, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये लिख लो, 800 प्लस 10T इज इक्वल्स टू 330 माइनस 110T। तो टी को एक तरफ ले लो, 10T इधर आके माइनस था तो इक्वल्स टू किस साइड आके प्लस, और ये है 330 इधर प्लस था इक्वल्स टू किस तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 110 120, और इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 2500। सो टी इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा 12 2 24, ठीक है। 1 यहाँ पे, 2 5 10 नहीं, चलो जिसको नहीं आया वापस देखो, 2500 डिवाइड बाय 120 इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे देखना है, 00 कैंसिल, 12 2 24 ओके, 0 2 0 0 8। सो टी आएगा, नया टेम्परेचर हो जाएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस, न्यू टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 20.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वीडियोस देखो, हीट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सॉल्ड एग्जांपल, अनसॉल्ड एग्जांपल, एक ही मैंने सॉल्ड एग्जांपल कराया था, दो जो था वो अनसॉल्ड एग्जांपल था। तो आप वीडियोस को अच्छे से देखे हो, समझ पाए हो, ठीक है। तो आप दो अनसॉल्ड एग्जांपल इसे खुद से ट्राई करना, दो सॉल्ड एग्जांपल इसे खुद से ट्राई करना 20.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।